इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेटिंग करते हैं, सब एक बात पर सहमत हैं कि आज दुनिया के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। और मैं मानता हूं कि विकास की संभावनाएं बहुत है। दुनिया ये भी कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। एक तरफ भारत में तेज गति से विकास हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की नजर एशिया की तरफ है। लेकिन क्या यूएई के बिना एशिया अधूरा है कि नहीं है? और इसलिए हम एशिया का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि यूएई उसकी मुख्य आर्थिक धारा के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। भारत की संभावनाएं और यूएई की शक्ति, ये दोनों के जुड़ने से ये जो 21वीं सदी एशिया की सदी है वो सपना पूरा हो सकता है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि हमने आगे की हमारी सोच योजना पर आगे बढ़ना है। यहां कुछ कठिनाइयों के संबंध में मेरे सामने जानकारी आई है। कल भी मेरी विस्तार से कई महानुभावों से बात हुई, उसमें भी कुछ कुछ विषय निकले हैं। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली हैं, लेकिन मुझे विरासत में मिली है इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जो अच्छाइयां हैं वो तो ले लूं और बुराइयां हैं उसको छोड़ दूं, ऐसा तो कोई दुनिया का नियम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। कुछ चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कोर्ट कचहरी का मसला बन गया है, उसमें कुछ मेरी भी मजबूरियां रहेगी, उसका सॉल्यूशन कैसे हो। और मैं पहले काम करूंगा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को यहां भेजूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कंसर्न लोगों से सीधा उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को समझे और उसका रास्ता खोजे। और उस दिशा में बहुत ही निकट मेरा सबसे पहला काम ये होगा और मैं समझता हूं उससे काफी चीजें सुलझना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं आज भारत में विकास की बहुत संभावना है। एक तो 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है और लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने से एक निर्णायकता होती है, स्पष्ट विजन के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कदम उठाने के सुविधा रहती है जो इस नई सरकार को प्राप्त हुई है। और उसी के कारण हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। पहली बार देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन अप कर दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्लोबल मार्केट भी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम मिलकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूं स्काई द लिमिट। और इसके लिए हमने इन जनरल 49% एफडीआई ओपन अप कर दिया है, लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री अगर है डिफेंस में तो उसमें हम 100% तक जा सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा। हमने इंश्योरेंस क्षेत्र को 49% खोल दिया है, रियल एस्टेट। और मैं मानता हूं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट
उसकी बहुत संभावना है। एक तो सरकार का अपना एक कार्यक्रम है 2022, जबकि भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा, हम 50 मिलियन एफोर्डेबल हाउस बनाना चाहते हैं, लो कॉस्ट। 50 मिलियन हाउस बनाना मतलब भारत के अंदर अनेक छोटे छोटे नए देश बनाना। बहुत सारे दुनिया के देश हैं कि जिसके यहां टोटल 50 मिलियन हाउस नहीं है। इतना बड़ा काम मुझे 7 साल में करना है। और जैसे फैजल ने कहा, नई टेक्नोलॉजी, मैं जरूर आपके यहां आऊंगा, मैं देखूंगा। मैं चाहता हूं, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें स्पीड के लिए भी चाहिए एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए। और लो कॉस्ट हाउसिंग एक बहुत बड़ा मेरे दिमाग में काम है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड भी करना है। जहां पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड, रेलवे अगर पुरानी है तो मुझे स्पीड बढ़ानी है। रेलवे स्टेशन मेरे यहां मोर देन 500 रेलवे स्टेशन, जिनको मैं एक प्रकार से बहुत बड़े बिजनेस हब में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में आप जानते हैं हार्ट ऑफ द सिटी रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऊपर सब खाली है। क्यों ना मैं उस रेलवे स्टेशन के ऊपर 20 मंजिल 50 मंजिल बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊं, 200-400 रूम के होटल बनाऊं, बहुत बड़े मॉल बनाऊं। 500 रेलवे स्टेशन, कितना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर के हम काम करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, वेयर हाउसिंग नेटवर्क, आज भारत में 30% एग्रो प्रोडक्ट रख रखाव की व्यवस्था के अभाव में वेस्ट जाता है। और मैं मानता हूं एग्रो प्रोडक्ट का वेस्ट जाना एक प्रकार का क्राइम है। अगर हम नहीं रख सकते तो गरीब को देना चाहिए, उसको पेट भरना चाहिए। मैं ये 30% को बचाना चाहता हूं, जो मैं मेरे देश की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो अतिरिक्त होगा दुनिया के गरीब देशों के लिए काम आना चाहिए। मैं वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इसका बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूं। आपकी बात सही है कि आज ग्लोबलाइजेशन के युग में पोर्ट सेक्टर की बहुत संभावना है, और देशों की तुलना में हम काफी पीछे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने काफी गति बढ़ाई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को हमने प्रमोट किया है। हमने इन दिनों काफी नई पॉलिसी डिसीजन लिए हैं पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और मैं मानता हूं कि उसका लाभ यूएई तो सबसे ज्यादा ले सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों के साथ आज आप जुड़े हुए, तो भारत के साथ मिलकर के पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे दिमाग में पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। और जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं, तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी विद द कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पोर्ट, रोड, रेल एंड हिंटरलैंड एक्सेस, इन सारी चीजों को जोड़ करके मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और ह्यूज पोटेंशियल पड़ा हुआ है। भारत ने टूरिज्म को टैप नहीं किया है। आज दुनिया में टूरिज्म $3 ट्रिलियन का बिजनेस है, भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं, दुनिया के लिए अजूबा है भारत क्या कर सकता है। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जिस लेवल पे इस काम को बढ़ाया है, आज आप दुनिया को यहां का रेगिस्तान देखने के लिए मजबूर कर सकते हो, ये ताकत आपने दिखाई है। तो भारत के पास तो बहुत कुछ है, थोड़ा आपकी एक्सपर्टाइज हमारे साथ जुड़ जाए तो सारी दुनिया को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, आज भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। जैसे आपने कहा सोलार एनर्जी,
विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, 188 गीगावाट, 100 सोलर एनर्जी, 75 विंड एनर्जी एंड 13 रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट टू वेल्थ। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सोलर एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी वहां चाहते हैं, हम सोलर एनर्जी इंस्टॉलमेंट भी चाहते हैं, हम पावर जनरेशन की दिशा में जाना चाहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता है दुनिया की, वी आर 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम एक कदम चलते हैं, एक कदम सुधार करते हैं, तो दुनिया की 1/6 समस्या का समाधान देते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, हम एक ग्लोबल एनवायरमेंट को कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप सबके सहयोग से इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां जो हमारे मित्र बैठे हैं, अगर प्रॉपर एनवायरमेंट मिलता है तो कितने सक्सेसफुल होते हैं, उनकी स्टोरी एक एक अपने आप में सफलता की बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, मैं आपको यहां निमंत्रण देने आया हूं। और मैं मानता हूं आज भारत में $1 ट्रिलियन की इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की संभावना है। और मैं 1 ट्रिलियन बोलता हूं तो ऐसे नहीं कि मैं, मुझे समझ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे पक्की समझ है कि 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन का क्या फर्क होता है। उसके बाद भी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि $1 ट्रिलियन की संभावना इमीडिएट पड़ी हुई। और मैं चाहूंगा कि भारत की बहुत डायनेमिक प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, डिसिसिव गवर्नमेंट है, और मैं आज आपके घर सामने से आया हूं और मैं देख रहा हूं, मैं कल से जो महसूस कर रहा हूं, मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने 34 ईयर्स क्यों गवा दिए, मैं खुद महसूस कर रहा हूं। और इसलिए मैं आज उन सभी 34 ईयर की कमी को भी पूरी करके जाना चाहता हूं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए भारत और हम सब मिलकर के 21वीं सदी एशिया की सदी सच्चे अर्थ में कैसे बने, हम उस आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को कैसे ले जाएं ताकि दुनिया के सामान्य सामान्य व्यक्ति की भलाई में हम काम आए। मेरा आप सबको निमंत्रण है और मैं हिज एक्सलेंसी मंसूरी जी का आभारी हूं को स्वयं आए और आप सबसे मिलने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।